मुजफ्फरपुर जिले में लगातार कौवे की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला जिले के ही कांटी क्षेत्र के पानापुर करियात का है, जहां पिछले दो दिनों में कई कौवे की मौत की मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार स्थानीय लोगों में भारी दहशत देखी जा रही है। आसपास के ग्रामीण ब्लड फ्लू की आशंका से सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने मरे हुए कौवे की जानकारी जिला पशुपालन पदाधिकारी को देकर दी है, जिसके बाद बुधवार को जिला पशुपालन विभाग के चिकित्सकों की एक टीम गांव का दौरा किया, जहां मृत पाए गए कौवे की शव से सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया है। वही मरे हुए कौवे को मिट्टी खोदकर दफना दिया गया है। अभी का बहुत बड़ी खबर अभी आपको बता रहे हैं, वही आपको बता दें कि मामले में कांटी प्रखंड के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि बंगरा चौपान के समीप दो कौवे की मौत हुई है, जिसकी जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टि कौवे की मौत ठंड लगने से प्रतीत हो रही है। जानकारी रही उसी रास्ते से, वो गाछी के रास्ते से हम जा रहे थे, तो देखे कि पांच सात आदमी जो है से वहाँ पर खड़े थे, तो हम भी रुके, तो मालूम हुआ कि पशुपालन विभाग से दो तीन आदमी आए हुए हैं और हमारे ग्रामीण तीन चार पाँच वो वहाँ पर थे। तो वही जो है से वो शीशम के गाछ पर ही अटका हुआ था और एक बाँस पर अटका हुआ था, सबको उतारा गया और देखा गया, सैंपल के लिए जो है से वो अपना ले गया। तो उससे क्या हुआ कि गांव में ऐसे भी मतलब कि हल्ला हो रहा है कि भाई कौवा इतना मर क्यों रहा है, कौन सा बीमारी का आगमन होने वाला है। अब जैसे कोरोना हुआ उस ढंग से डर लग रहा, मतलब भावना तो डर का है, ये है गांव में डर का भावना है कि जैसे कोरोना हुआ है उसी ढंग से अब कौवा मर रहा है, इससे भी कुछ बड़ा बीमारी हो सकता है। ग्रामीण जो है सो पूरा सहमा हुआ है जे क्या कारण से कौवा मर रहा है। तीन जगह पर तीन गो देखा गया। मरने की खबर सामने आ रही थी सर, उसमें क्या? कल मैं कार्यालय में दो बजे के करीब बैठा हुआ था, डेढ़ दो बजे के करीब, उसी समय वहां से पंचायत समिति सदस्य श्री दिनकर सिंह, अखिलेश बाबू और इंदर कुमार सिंह, इन लोगों का फोन आया। तो फोन पर उन लोगों ने बताया कि दो कौवे की मृत्यु हुई है, बगीचे में है, उसे आना जाना लोग का रुका हुआ है, सो सर इसको देख लिया जाए। घटना की जानकारी होने के आधे घंटे के अंदर वहां पर हम पहुंचे। पहुंचने के बाद प्रथम दृष्टया जो हम लोग का जो अंतःस्राव परीक्षण होता है वो किया, कहीं से किसी भी बीमारी की से उसकी मृत्यु का हमको कहीं कोई इंफॉर्मेशन या सोर्स जो बॉडी देख के जो हम लोग एसेस करते हैं वो नहीं थी। वो ठंड से ही स्वाभाविक रूप से वो मृत्यु थी। देखने के पश्चात जो है ना, जो हम लोग का बर्ड फ्लू का जो बिहार सरकार द्वारा जो मानक जो संचालन करना है उसके तहत अगल बगल का सीरम कलेक्शन, स्वाब कलेक्शंस, अगल बगल में जो है ना क्या कहते हैं प्रचार प्रसार, डरने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि सर्वप्रथम ये बीमारी जो है बर्ड फ्लू जानवरों से जानवरों में फैलती है, जानवर से आदमी में फैलने की इसकी कहीं कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो चूंकि जानवरों में ज़्यादा कैजुअलिटी न हो, जानवरों में ज़्यादा संख्या में जो है ना बर्ड्स, हमारा जो पोल्ट्री व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो न मरे, पोल्ट्री बर्ड्स न मरे, इसके लिए सरकार एहतियात के तौर पर अगल बगल के पोल्ट्री फार्म या अगल बगल के जो मुर्गा व्यवसाय वाले जो करते हैं, काटते कूटते हैं, उसके यहाँ से हम लोग जो है सेरम स्वाब कलेक्शन कर लेते हैं, जिससे कि ये बीमारी वहाँ न हो और उस सेरम स्वाब को हम लोग जो है ना बाहर के लेबोरेटरी में भेजते हैं। लोगों में डरों का माहौल बना हुआ है, क्या अपील करना चाहेंगे सर? अपील करना चाहेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, सेरम स्वाब कलेक्शन के काम हम लोग कर रहे हैं और उस बीमारी से नहीं मरी है वो। एक्चुअली दो कौवे जो मरे हैं वो ठंड की वजह से मरे हैं।